वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR-ASRB नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 2B का पार्ट का टॉपिक मिलेट्स कंपोजिशन न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग का पार्ट 5 आज कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पीरियल मिलेट के बारे में डिटेल में, इसके सिनोनिम्स, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एंड इसके एनाटॉमिकल पार्ट्स एंड डिटेल्ड अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर होती है पीरियल मिलेट की, वो सॉर्गम की तरह ही होती है, बस उसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। जो पीरियल मिलेट होता है वो इरेटिक, शॉर्ट डे एंड एनुअल ग्रास होती है, एंड इसके जो टिलर्स होते हैं वो ज़्यादा परफ्यूजली होते हैं देन सॉर्गम। जो टिलरिंग है वो प्राइमरली बेसल नोड से होती है, एंड जो नंबर ऑफ टिलर्स हैं वो डिपेंड करता है, वेरी करते रहते हैं डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ पीरियल मिलेट पे, ठीक है। जो ब्रांचेस हैं वो भी अराइज होती हैं अदर नोड्स से, ईच ब्रांच टर्मिनेटिंग इट इन टू एन इनफ्लोरेसेंस। द इनफ्लोरेसेंस ऑफ पीरियल मिलेट इज़ अ पेनिकल, सिलेंड्रिकल इन नेचर, ब्रॉडेस्ट एट द मिडल एंड द स्लाइटली टेपरिंग टूवर्ड्स बोथ एक्सिस एंड बेस। जो लेंथ होती है एंड थिकनेस होती है पेनिकल की, वो वेरी करती है 0.20 से 0.45 मीटर लॉन्ग। एंड जो लीव्स होती हैं पीरियल मिलेट की, वो स्मॉलर होती हैं सॉर्गम से, 90 to 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है पीरियल मिलेट की, 5 to 8 सेंटीमीटर विड्थ होती है। जो स्टेम होती है वो एवरेज में थिनर होती है सॉर्गम से। द पेनिकल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, रेंजिंग फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 1 मीटर इन लेंथ एंड 2 to 5 सेंटीमीटर इन विड्थ। मैच्योरिटी में जो स्टेम होती है वो वुडर हो जाती है देन सॉर्गम। प्लांट की जो हाइट होती है वो 1.5 से 3.5 मीटर, वो डिपेंड करता है ड्वार्फिंग जीन के ऊपर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस के, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप आ जाती है। रूट्स हैं जो इसकी फाइबरस होती हैं, विद द मेन रूट बीइंग थिन, स्मॉल एंड क्विकली रिप्लेस्ड इन फंक्शन बाय एडवर्टिशियस रूट। द स्टेम, जो पीरियल मिलेट की स्टेम होती है वो राउंड टू ओव्यूल होती है, विद फ्लैट क्वाड्रेट लीफ ब्लेड एंड 0.75 मीटर और मोर इन लेंथ एंड 0.05 टू 0.07 मीटर वाइड। जो पीरियल मिलेट होता है वो अडेप्टेड होता है हॉट क्लाइमेट में, ठीक है, हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा ग्रो करता है, एंड ये मोर रेजिस्टेंट होता है टू ड्रॉट देन सॉर्गम। कोई और जो बाकी जो मिलेट्स होते हैं वो हॉट ड्राई रीजन्स में ग्रो नहीं कर सकते जैसे पीरियल मिलेट ग्रो करता है। इट यील्ड रीजनेबली वेल, डिपेंड अपॉन पुअर सैंडी सॉइल ऑन विच मोस्ट अदर क्रॉप्स फेल। जो पीरियल मिलेट है वो 80 से लेके 100 डेज लेता है मच्योर होने में, बट इसकी कुछ वेराइटीज़ ऐसी हैं जो कि जल्दी मच्योर हो जाती हैं, एंड ये प्राइमरली क्रॉस पॉलिनेटिंग होती है इसमें, एज स्टिग्मास इमर्ज 1 of 3 days before the anther and therefore have opportunity to be cross pollinated. The seeds are 1/3 to 1/2 the size of the sorghum and tend to the more elongated and tear shaped. जो spikelets होते हैं वो bristled होते हैं most varieties में in the pearl millet. There are no odds. पीरियल millet है जो most widely grown millet species है, जो कि grow करती है 27 मिलियन हेक्टेयर्स में, एंड फॉलोड बाय फिंगर मिलेट। वर्ल्ड प्रोडक्शन है जो मिलेट की वो हैज़ बीन स्टेबल ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड बिकॉज इट इज़ अ मेनली कल्टिवेटेड एज अ सब्सटेंशियस क्रॉप। इन 1997 30.1 मिलियन हेक्टेयर जो सॉन किया गया था, एंड एवरेज उसमें 781 केजी पर हेक्टेयर उसमें से ईल्ड निकली, एंड टोटलिंग 28.9 मिलियन मैट्रिक टन्स। 30% ऑफ द प्रोडक्शन वॉज हार्वेस्टेड इन द अफ्रीका, एंड जो 56% इन एशिया एंड 13% जो फॉर्मर इन USSR। मेजर प्रोड्यूसर है जो वो है इंडिया, जिसमें इसका रोल है 31.1%, उसके बाद चाइना एंड उसके बाद है USSR। जो पीरियल मिलेट है वो मेजर मिलेट ग्रो किया जाता है अफ्रीका में,
एंड ये फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है जो कि ग्रो की जाती है इंडिया में। नेक्स्ट, ये सिनोनिम्स हैं पीरल मिलेट के जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में बोले जाते हैं, जैसे कि यूएसए में पीरल मिलेट भी बोला जाता है, कैटाटेल एंड मैंस फॉरेज प्लांट भी बोला जाता है। इंडिया में हम इसे बोलते हैं कुंबू, बाजरा, बाजरी एंड सज्जे। अफ्रीका में सैनियो, गेरो, बाबाला, नयोलोती एंड सौना। उसके बाद यूरोप में कैंडल मिलेट एंड डार्क मिलेट इसे बोला जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट जो पीरल मिलेट है वो फर्स्ट डोमेस्टिकेट हुआ था इंडिया में, देन उसके बाद अफ्रीका में मूव हुआ। बट मोस्ट ऑफ द अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव दैट अफ्रीका इज़ द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ पीरल मिलेट एंड दैट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। इन इंडिया जो पीरल मिलेट है वो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। जो पीरल मिलेट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, एंड इसको ग्रो किया जाता है ज़्यादातर वाइडली इंडिया में। एज अ सेमी एरिड एंड एरिड क्रॉप होने की वजह से जो पीरल मिलेट है वो ट्रेडिशनली कंपोनेंट है ड्राईलैंड सिस्टम का, एंड इसको यूजली ग्रो किया जाता है सॉयल में जो कि जिसकी फर्टिलिटी डिप्लीट हो चुकी है, एंड वहाँ पे 150 से लेके 750 mm रेनफॉल पर ईयर रिसीव होती हो। न्यूट्रिशनली जो पीरल मिलेट है वो सुपीरियर है राइस ऑन वीट से। पीरल मिलेट को कॉमनली यूज़ किया जाता है अनलीवन ब्रेड बनाने के लिए, थिन एंड थिक पॉरेज बनाने के लिए, एंड इसको राइस की तरह कुक किया जाता है। जो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल को,